झुंबरलाल जी खटोड सामाजिक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष गौतम जी खटोड हेही राजीवजींचा सत्कार करतील। तसे संजय माननीकर उदगीर दीक्षित साहेबांचे सहकारी यांचाही या मंचावर स्वागत करण्यात येत आहे। स्वागत करतायत प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष गौतमजी खटोड। संजयजी माननीकर टाळ्यांच्या गजरात आपण माननीकरांचं स्वागत करूया। यानंतर लगेचच राजीवजी दीक्षित हे आपल्या व्याख्यानाला सुरुवात करतील। मी त्यांना प्रतिष्ठानच्या वतीने नम्र विनंती करते की आपण आपल्या व्याख्यानाला सुरुवात करावी। भैया स्वर्गीय श्री झूमरलाल जी खटोड सामाजिक प्रतिष्ठान की ओर से आयोजित इस भव्य कीर्तन कार्यक्रम में आए हुए बीड के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, मैं बहुत आभारी हूँ आयोजन समिति का जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आपके सामने संवाद करने का मौका दिया। मैं आप सभी बीड के नागरिक बंधुओं से इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि बहुत अच्छे से मराठी भाषा नहीं बोल पाता, इसलिए हिंदी में बात करता हूं। मेरी हिंदी बहुत सरल आसान होगी, आपको समझ में आएगी। मैं मराठी भाषा पढ़ता हूं, मराठी भाषा आप बोलें तो पूरा समझता हूं, बोलने का अभ्यास थोड़ा कम है इसलिए हिंदी में बात करता हूं। मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं वो स्वदेशी से संबंधित चिकित्सा का विषय है। हमारे अपने जीवन में विभिन्न तरह की जो बीमारियां आती हैं, जो रोग आते हैं, इन रोगों को ठीक करने के लिए हमारे स्वयं पाक घर में बहुत सारी औषधियां हैं जो संपूर्ण स्वदेशी हैं, निरापद हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और बहुत सस्ती हैं। ऐसी कुछ स्वदेशी औषधियों के बारे में मैं आपको माहिती देने के लिए आया हूं। आपके पास अगर कागज और पेन हो तो आप जरूर निकाल लें और ये माहिती को लिख लें, क्योंकि ये जीवन पर्यंत आपके काम आएगी। मैं जो माहिती देने जा रहा हूं आपको वो भारत देश की आयुर्वेद चिकित्सा की जो पद्धत है हजारों वर्ष पुरानी, उस आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धत के जो बड़े विशेषज्ञ रहे हैं उनके द्वारा जो शोध की गई है, रिसर्च की गई है, अनुसंधान किया गया है, ऐसी माहिती मैं देने वाला हूं। हमारे भारत देश की जो आयुर्वेद चिकित्सा है, स्वदेशी चिकित्सा, हजारों वर्ष पुरानी है। इस चिकित्सा में हजारों साल से बहुत बड़े बड़े चिकित्सकों ने, विशेषज्ञों ने, तज्ञ लोगों ने काम किया है।
ऐसे एक महान व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम महर्षि बाघभट्ट, जो आज से लगभग 3,500 वर्ष पहले हुए। उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा में एक शास्त्र लिखा, एक पुस्तक लिखी, वो संस्कृत भाषा में है। उस पुस्तक का नाम है अष्टांग हृदयम। बाद में इसी पुस्तक का दूसरा भाग लिखा गया, वो है अष्टांग संग्रहम। ये दो पुस्तकें 3,500 साल पहले भारत के आयुर्वेद चिकित्सा के विशेषज्ञ महर्षि बाघभट्ट की हैं। उन्होंने इन दोनों पुस्तकों में 7,000 सूत्र लिखे हैं संस्कृत भाषा में, और वो सारे के सारे सूत्र इस बात के लिए हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में निरोगी होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए क्या करना चाहिए, और व्यक्ति को अपने जीवन में स्वस्थ होने के लिए, निरोगी होने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। हम क्या करें स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी होने के लिए, और क्या ना करें अपने जीवन में, यही दो माहिती के आधार पर मैं आपसे बात करूंगा। इन दोनों पुस्तकों में 7,000 सूत्र हैं। मैं उसमें से आपको मात्र 10 सूत्र बताऊंगा, क्योंकि 7,000 सूत्रों को बताने के लिए 20 से 25 दिवस का समय लगता है, और मेरे पास 1 घंटे 20 मिनट का समय है। इसमें मैं लगभग 10 सूत्र आपको बताऊंगा, और ये सारे के सारे सूत्र जिनको मैं आपसे बताने जा रहा हूं, मैंने स्वयं अपने जीवन में उनका पालन किया है और उसका इतना लाभ मुझे हुआ है, और मेरे बहुत सारे सहयोगियों ने उनका पिछले कई वर्षों से पालन किया है, उनको भी बहुत लाभ हुआ है। और पिछले 12-13 वर्षों में मैंने हजारों लोगों को ये सूत्र बताए हैं, भारत के गांव-गांव में जाकर 10,000 से ज्यादा मैंने सभाएं की हैं इस माहिती को फैलाने के लिए, और हिंदुस्तान के लाखों लोगों को इससे बहुत लाभ मिला है, आपको भी मिलेगा, ऐसी मेरी पूरी विश्वास है। जो सूत्र मैं कहने जा रहा हूं वो संस्कृत के हैं, मैं सीधे हिंदी में कहूंगा ताकि समय बचे, और आपसे फिर से विनती है कि अगर कागज और पेन है तो आप जरूर लिख लीजिए, डायरी आपके पास है तो जरूर लिख लीजिए, क्योंकि इनको बताने के लिए दोबारा कौन आएगा मालूम नहीं है। हमारे जीवन में बीमारियां जो आती हैं, रोग जो आते हैं, वो क्यों आते हैं, आयुर्वेद की उनकी अपनी परिभाषा है, और परिभाषा यह है कि शरीर में 3 तरह के कषाय होते हैं या 3 तरह के दोष होते हैं। एक है वात, दूसरा है पित्त, तीसरा है कफ। आयुर्वेद में यह कहा गया कि वात, पित्त, कफ अगर ये संतुलित रहें तो व्यक्ति जीवन भर निरोगी होता है। इसी के आगे कहा गया कि अगर वात, पित्त, कफ बिगड़ जाएं, असंतुलित हो जाएं, तो व्यक्ति जीवन भर रोगी रहता है। तो हमें हमारे जीवन में एक ही प्रयास करना चाहिए निरोगी होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, कि हम हमारे वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित रखें। अब वात, पित्त, कफ संतुलित कैसे रहते हैं हमारे शरीर में, इसी के लिए 10 सूत्र हैं। उसमें से सबसे पहला सूत्र है, जीवन भर आपको स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, वात, पित्त, कफ को संतुलित रखना है, तो सबसे पहला सूत्र है भोजन के बाद, खाना खाने के बाद जेवन नंतर पानी नहीं पीना। यह पहला सूत्र है, भोजन के बाद, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। जीवन पर्यंत अगर आप निरोगी रहना चाहते हैं तो उसके लिए ये सूत्र है। अब आप कहेंगे ये तो बिल्कुल उल्टी बात है, हम तो सब खाना खाने के बाद, भोजन के बाद पानी ही पीते हैं, लोटे पर लोटा पीते हैं, कई लोग तो भोजन से जास्ती पानी पीते, और आयुर्वेद का सूत्र कहता है जीवन नंतर पानी नहीं पीने का है, क्या कारण है इसका, क्यों नहीं पीने का है। आपको जो मैं समझाना चाहता हूं वो ये कि आपका ये जो पूरा शरीर है,
इस शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है आपका पोट, अंग्रेजी में हम सब लोग इसे स्टमक कहते हैं। इसके दो हिस्से हैं, एक स्टमक है, दूसरा एब्डोमिन है। यह पूरा पोट आपके जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, शरीर का भी सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्यों? आप जो कुछ भी भोजन करते हैं वो सब कुछ पोट में जाता है, फिर यह भोजन का पाचन होता है, उस पाचन में से रस बनता है, रस में से मांस मज्जा रक्त वीर मल मूत्र अस्थि और मेद बनता है। मल और मूत्र शरीर के काम का नहीं है तो शरीर उसको नित्य दिन छोड़ देता है, लेकिन मांस मज्जा रक्त वीर आदि आदि जो चीजें बनती हैं वो बहुत काम की हैं, शरीर उनको धारण कर लेता है। तो हम जो भी खाते हैं, जो भी जीवन है, वो हमारे शरीर की ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आयुर्वेद ये कहता है कि आपने जो कुछ भी खाया इसका पाचन होना, इसका हजम होना, इसका डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। अब डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए क्या होता है कि आप जो भी खाना खाते हैं वो पोट में एक छोटे से स्थान में इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है, उस स्थान को कहते हैं जठर। यह जठर शब्द संस्कृत का है, मराठी में भी है, हिंदी में भी है। यह जठर कहां होता है? हमारे पोट का जो केंद्र है जिसको नाभि कहते हैं, उसके ठीक डाबे बाजू में, लेफ्ट साइड में, वहां पर यह जठर होता है। सारा भोजन इसी जठर में आता है। फिर जब भोजन वहां आ जाता है तो तुरंत उसमें अग्नि प्रदीप्त होती है, आग जलती है, और यह अग्नि ऐसी ही होती है जैसे हमारे स्वयं पाक घर में रसोई गैस जो है, एलपीजी गैस जिसको आप कहते हैं, उसमें अग्नि जलती है, वैसे ही आपके जठर में भी अग्नि जलती है। अब क्या हुआ कि आपने भोजन किया, सारा भोजन पोट में जठर में इकट्ठा हुआ, अग्नि जलना शुरू हुआ, अग्नि ने भोजन का पाचन शुरू किया, उसी समय आपने गटागट गटागट पानी पी लिया। अब क्या होगा? अग्नि और पानी का मेल नहीं है, अग्नि और पानी की दोस्ती नहीं है, अग्नि और पानी की दुश्मनी है। अगर आपने खाना खाने के बाद तुरंत पानी पी लिया तो जो पोट में अग्नि जल रही थी खाने को पाचन करने के लिए, वो बुझ जाएगी, बंद हो जाएगी। और अग्नि अगर बुझ गई और बंद हो गई तो खाने के पाचन की क्रिया समाप्त हो जाएगी, रुक जाएगी। और अगर यह क्रिया रुक गई तो भोजन का रस नहीं बनेगा, और भोजन का रस नहीं बनेगा तो फिर भोजन सड़ेगा, और वो सड़ा हुआ भोजन आपके शरीर में कम से कम 103 रोग पैदा करेगा। और वो 103 रोग क्या है, नाम से बताता हूं। बहुत लोग ये कहते हैं हमारे पोट में जलन होती है, गैस बनती है, एसिडिटी। जान लीजिए कि जिनको भोजन पचता नहीं है, हजम नहीं होता है, उन्हीं को एसिडिटी होती है भोजन के सड़ने पर। ऐसे ही एक रोग है हाइपर एसिडिटी, एसिडिटी से भी आगे का, फिर अल्सर है, फिर पेप्टिक अल्सर है, और इसी क्रम में आगे आगे बढ़ते जाएं तो आखिरी रोग है वो कैंसर है। कैंसर के बाद कुछ नहीं होता क्योंकि उसके बाद मृत्यु ही होती है। अब आप जरा सोचिए, आपने भोजन किया और भोजन के तुरंत बाद पानी पी लिया और वो भोजन सड़ गया, उसके पचने की क्रिया नहीं हुई, रस नहीं बना, सड़ गया, गैस बनना शुरू हुआ, वहां से बीमारियां शुरू होंगी और कैंसर तक चली जाएंगी। फिर आप अपने जीवन के अंतिम दिन में अफसोस करेंगे कि आपने कोई बड़ी भारी भूल की, और वो भूल क्या है? भोजन के बाद आपने तुरंत पानी पिया, वही भूल है। इसलिए आप आज से अपने जीवन में इस नियम का वो संकल्प के रूप में ले लीजिए, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना, क्योंकि अग्नि जल रही है वो खाने को पचाने के लिए बहुत जरूरी है। अब आप ये पूछ सकते हैं मुझसे कि अच्छा ठीक है, बात समझ में आ गई, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना,
फिर आप पूछेंगे कभी पीना, कितनी देर बाद पीना, तो उसका उत्तर यह है कि आपके पोट में खाने के पचने की जो क्रिया है उसके तीन चरण होते हैं। पहला चरण, पहला स्टेज है जो कुछ भी आपने खाया, सॉलिड और लिक्विड, ठोस और द्रव, ये एक दूसरे में मिलता है। ये क्रिया लगभग एक से डेढ़ घंटे तक चलती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो कुछ एक दूसरे में मिल गया वो खिचड़ी जैसा बन जाता है और उसमें से रस बनना शुरू होता है। जब किसी चीज में रस बनना शुरू होता है तभी पानी की जरूरत पड़ती है, माने खाना खाने के एक से डेढ़ घंटे के बाद पानी पिए, एक तास नंतर पानी पीने का है। आप बोलेंगे बात तो समझ में आ गई, एक तास नंतर पानी पीने का है तो एक तास तक और कुछ पी सकते हैं क्या? पानी तो एक तास नंतर पीने का, ठीक है समझ में आया, और कुछ पी सकते हैं क्या? तो आयुर्वेद में माहिती दी गई है कि जेवण नंतर तत्काल अगर पीना चाहते हैं तो ताक पिए, तुरंत भोजन के तुरंत बाद अगर पीना चाहते हैं तो ताक पिए, भोजन के तुरंत बाद अगर पीना चाहते हैं तो दूध पिए, भोजन के तुरंत बाद अगर पीना चाहते हैं तो जूस पिए, फलों के रस पिए, भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पिए, जूस पिए, ताक पिए, दूध पिए, पानी नहीं पिए। अब आप फिर पूछेंगे ये क्या चक्कर है, पानी तो नहीं पिए, ताक पी सकते हैं, ताक में भी तो पानी ही है, पानी नहीं पी सकते लेकिन जूस पी सकते हैं, जूस में तो पानी ही पानी है, पानी नहीं पी सकते लेकिन दूध पी सकते हैं, दूध में आप जानते हैं 90% से जास्ती पानी है, तो ये क्या चक्कर है? आयुर्वेद का एक ज्ञान कहता है जीवन नंतर पानी नहीं पीने का, और आयुर्वेद का ही ज्ञान कहता है जीवन नंतर ताक पीने की, दूध पीने का, जूस पीने का, पानी नहीं पीने का, जबकि जूस में भी पानी है, ताक में भी पानी है, दूध में तो पानी ही पानी है। ये कुछ चक्कर है, ये जरा समझना है ये चक्कर क्या है। मैं आपको जो जानकारी देना चाहता हूं वो ये कि ये जो पानी होता है ना, ये अगर अकेला है, किसी चीज में मिलाया नहीं है इसको, तो ये पानी के अपने गुण उसमें धारण किए हुए रहता है। पानी के कुछ गुण है, जैसे पानी रंगहीन है, पानी गंधहीन है, पानी स्वादहीन है, पानी शीतल है, पानी शामक है, ऐसे पानी के बहुत सारे गुण हैं। लेकिन ये सारे गुण पानी के तभी तक रहते हैं जब तक पानी अकेला होता है। जैसे ही पानी को किसी वस्तु में मिला दिया जाता है पानी के सारे गुण खत्म हो जाते हैं, जिस वस्तु में पानी मिल गया उसी के सारे गुण उसमें आ जाते हैं। आपने हिंदी फिल्म का एक गाना सुना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, फिर उसी गाने में कहा गया जिसमें मिलाओ उस जैसा, माने पानी का गुण है कि जिसमें मिला दिया वैसे ही हो जाएगा। अब ताक में पानी है तो वो पानी नहीं है, वो दही है, क्योंकि ताक बनाई है दही में पानी मिलाकर, तो दही के सारे गुण पानी में आ जाएंगे। इसी तरह से दूध है, दूध में पानी मिला दिया है तो सारे गुण पानी में दूध के आ जाएंगे। इसी तरह जूस में अगर पानी मिल गया है तो फल के सारे गुण पानी में आ जाएंगे। इसलिए जूस पीने का, ताक पीने का, दूध पीने का नियम बताया गया, पानी नहीं पीना है। बात समझ में आ गई? आप कर सकते हैं, आज से ही इसको अपने जीवन में शुरू करिए। अभी इसमें एक और प्रश्न आप पूछेंगे, प्रश्न ये आएगा कि अच्छा ठीक है, जेवण नंतर तत्काल ताक पीने का, जेवण नंतर तत्काल दूध पीने का, जूस पीने का, पानी एक तास नंतर पीने का, तो आप पूछेंगे जेवण पूर्व, नंतर तो समझ में आ गया, पूर्व जेवण पूर्व पानी पी सकते हैं क्या? तो आयुर्वेद में उसके लिए कहा गया हां पी सकते हैं,
जेवनपुर भरपूर पानी पी सकते हैं, लेकिन उसका समय निर्धारित है। जेवन पूर्व लगभग 48 मिनट पहले भरपेट पानी पी सकते हैं। अगर आपको 10 बजे जेवन करने का है, खाना खाने का है, 9:12 तक भरपेट पानी पी सकते हैं। 11 बजे भोजन करने का है, 10:12 तक भरपेट पानी पी सकते हैं। 48 से 50 मिनट पहले आप कितना भी पानी पी सकते हैं। आप बोलेंगे ये क्या कारण है? कारण ऐसा है कि जब आप पानी पीना शुरू करते हैं तो पानी आपके मुंह में होता हुआ, गले से उतरता हुआ, शरीर के अनेक अनेक अंगों में घूमता हुआ, अंत में मूत्र पिंड में जाकर आता है। तो मुंह से पानी पीना शुरू करें और उसको मूत्र पिंड तक पहुंचने में, जगह जगह से घूमकर आने में 48 मिनट ही लगते। इसलिए कहा गया जेवन पूर्व अगर पानी पीना है तो 48 मिनट पर पिए, जेवन नंतर पीना है 1 तास कम से कम, जास्ती से जास्ती 1.5 तास। अब आप आखिरी एक प्रश्न पूछेंगे, जेवन के मध्य में पानी पिए कि नहीं पिए? तो उसका भी उत्तर है, अगर आप भोजन कर रहे हैं और भोजन करने में दो अन्न खा रहे हैं से मतलब ज्वारी की भाखरी खा रहे हैं और भात खा रहे हैं, ये दो अन्न है। गेहूं का रोटी खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं और भात खा रहे हैं, ये दो अन्न है। मक्की या बाजरी की रोटी खा रहे हैं, भात खा रहे हैं, ये दो अन्न है। तो आयुर्वेद में कहा गया कि दो अन्न का भोजन अगर आप करते हैं तो एक अन्न खाने के बाद दूसरा खाने के पहले जरूर पानी पिए, लेकिन थोड़ा सा पिए, 3-4 घूंट पिए, इससे जास्ती नहीं। अभी एक सूत्र पूरा हो गया, आपके समझ में आ गया? अगर किसी को नहीं आया हो तो हाथ उठा दे, मैं फिर समझाऊंगा, क्योंकि ये एक सूत्र अगर आपने समझ लिया, जीवन पर्यंत आपका वात पित्त और कफ तीनों संतुलित हो जाएंगे और आपको कभी रोग ही नहीं आएगा, बीमार ही नहीं पड़ेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आप बोलेंगे इसका कुछ प्रमाण दो, तो मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूं। आप मनुष्य को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, मनुष्य जाति को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, हमारे जो पशु पक्षी हैं उनको देखिए, जितने भी पशु हैं, गाय है, भैंस है, मछली है, बकरी है, जो भी पशु हैं, इनको ध्यान से देखिए, ये सब सवेरे सवेरे भोजन करते और पानी सब दोपहर को पीते, जेवन करेंगे सकाड़ी और पानी दोपहरी। मेरा जन्म गांव में हुआ, मेरा परिवार शेतकरी परिवार है, मेरे घर में गाय है, बचपन से मैंने गाय को देखा है। तो गाय सवेरे जेवन करती है भरपेट, पानी दोपहर को पीती है 10 बजे 11 बजे, जेवन के साथ कभी पानी नहीं पीती। मैंने बहुत बार गाय के सामने क्या किया, वो जो खाना खाती है, भोजन करती है, उसके सामने पानी रख दिया, वो देखती भी नहीं है उस पानी को, पहले भरपेट खाना खाती है, फिर आराम से बैठ जाती है, फिर जुगाली करती है, फिर 2-3 तास नंतर पानी पीती है। इसलिए किसी गाय को डायबिटीज नहीं होती। कोई भी मछी को कैंसर नहीं होता, अर्थराइटिस नहीं होता। पक्षियों को भी आप देखिए, पक्षी होते हैं ना, सभी पक्षी सुबह सुबह खाना खाते हैं, दाना चुगने के लिए आते हैं और पानी दोपहर को ही पीते हैं सबके सब। मैंने आज तक किसी पक्षी को ओवरवेट नहीं देखा, लठपना किसी पक्षी में नहीं है, सब एकदम स्लिम और ट्रिम है, क्योंकि वो आयुर्वेद के नियम का पालन करते हैं। अब आप जरा सोचिए कि पशु और पक्षी जो आयुर्वेद को जानते हैं, जबकि उनको कोई सिखाने वाला गुरु नहीं है, उनका कोई कॉलेज नहीं है, उनका कोई प्रोफेसर नहीं है, फिर भी उनको आयुर्वेद का यह ज्ञान है, और मनुष्य जिसको सिखाने वाले इतने प्रोफेसर हैं, इतने गुरु हैं, इतने कॉलेजेस हैं मेडिकल और ये सब, वो मनुष्य को यह ज्ञान ही नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, पशु पक्षी मनुष्य से जास्ती ज्ञानी है।
तो मेरी आपसे विनंती है कि आज के बाद आप किसी पशु पक्षी को गाली नहीं देना, क्योंकि वो आपसे जास्ती ज्ञानी है।